कामरान, क्या ये फार्म हाउस वाकई तुम्हारा है? हाँ यार, तो मेरा ही। अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ तो ये फार्म हाउस ऐसे ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे ऐसे नसीब कहाँ क्या मुझे अपनी बीवी बनाए। खबरदार, अगर तुमने अपने नसीब को बुरा कहा तो। तुम्हें पता है तुम ही वाहिद लड़की हो जो पूरे कॉलेज में मुझे सबसे खूबसूरत लगती हो, और वैसे भी ये पिकनिक तो एक बहाना था ताकि हम तुम एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे सकें, थोड़ा समझ सकें। थैंक यू, थैंक यू सो मच कामरान। आप ही या किससे दिल लगा बैठी हैं? कामरान भाई को पता है कि आप उनसे मोहब्बत करती हैं? मोहब्बत? मोहब्बत तो लज्जत बख्शती है, और इश्क दीवानगी। मुझे इश्क हो गया है, मेरा इश्क। आप ही ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझे कामरान भाई की सब रिपोर्ट्स हैं। या प्राइवेट डिस्कशन हो रही है? आप दोनों डेट मार के आ रहे हैं ना? तुम्हें बड़ा पता है, सब पे नजर रखती हूँ। वैसे तभी तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये क्यों इतनी उदास है? आमरा आपी, आप चाय नहीं पिलाएंगी क्या? तो इसका मतलब है मैं चाय बना कर लेकर आऊँ। नेकी और पूछ-पूछ? आमरा आपी को बहाने से भेजने का मेरा मकसद ये था कि सादी आपी वाकई उदास है, और उनकी उदासी सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। जब तक मुझे इसकी उदासी की वजह मालूम नहीं होगी तो मैं क्या कोई और भी इसकी उदासी दूर नहीं कर सकता। कामरान भाई, वजह मैं आपको बताती हूँ। आप दोनों बातें करें, मैं अमरा आपी को हेल्प आउट करके आती हूँ। अरे साकिब भाई, वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आ जाएं। बड़ी फजूल जगह है। एक तो मैं कामरान की इस फ्लड भरी तबीयत से ना एलर्जी है मुझे, बिला वजह तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। उफ, अच्छा झूला रोके। साकिब भाई, एक तो ना बिला वजह आप चीज़ों में ऐब निकालने के लिए बैठ जाते हैं। अब कामरान भाई ऐसे भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा तुम कामरान की तबीयत यानी कि उसकी रंगीन मिजाजी को नहीं जानती। एक लंबर का फ्लड है। फिर भी दोस्त तो आप ही के हैं ना। दोस्ती एक अलग चीज़ है, और किसी को गिरते हुए खोए में बचाना अलग। अब देखो ना, अब सादिया पर डोरे डाल रहा है, और सादी एक नहायत ही शरीफ घराने की लड़की है। अगर उसकी बातों में आ गई तो सारी ज़िंदगी रोती रहेगी। तो आप क्यों नहीं बचा लेते सादिया आपी को सारी उम्र के रोने से? सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलता साकिब भाई। अच्छा चले, मुझे झूला दे, आ जाए। ये इतना स्लो क्यों दे रहे हैं? तेज दे, और तेज। तुमने अपने दिल की बात करने में बहुत देर कर दी। मैंने हमेशा कोशिश की मगर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अब भी तो हिम्मत की ना तुमने। खैर, अब जो हुआ भूल जाओ। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कामरान, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे माफ कर दिया ना, या फिर अभी तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए नाराजगी है? मुझे नहीं पता तुम किस बात की माफी मांग रही हो। वो न्यू ईयर वाले दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ जो मारा था। पहली बात तो ये कि वो थप्पड़ तुमने दिल से मारा था, गलती से नहीं। और दूसरी बात, अब तो मुझे थप्पड़ खाने की आदत सी होगी ये लड़कियों से। मैं तुमको हमेशा गलती समझती थी, मगर तुम तो। मैं जो हूँ मुझे पता है, वो छोड़ दो। वैसे मैं नेक्स्ट वीक अपने घर वालों को तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ रिश्ते के लिए। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? तो फिर भेज दूँ?
मुझे तो कामरान कह रहा था कि ये फार्म हाउस तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। आप ही उन्होंने कहा और आपने यकीन कर लिया। कामरान भाई खुद तो एक दिन में 10-10 लड़कियों को झांसे दिए रखते हैं। तो फिर क्या करूँ मैं, क्या करूँ, भूल जाऊँ कामरान को? आप ही, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप कामरान भाई को भूल जाएं। सादिया, तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं कोई कामरान की बुराई उसकी पीठ पीछे नहीं कर रहा, बल्कि उसकी इस हरकतों से तो उसके घर वाले भी तंग हैं। तो ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसीलिए कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि कामरान तुम पर टिपिकल डोरे फेंक रहा है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के भी जाल में फंस जाऊँ, समझे? आई नो, तभी खबरदार कर रहा हूँ कि कहीं तुम उसकी चुबड़ी चुबड़ी बातों में ना आ जाओ। आपको बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रहे हो और तुम इतना घबराए हुए क्यों? मैं कहाँ घबराया हूँ। खाना तैयार है। और ये सादिया बाजी कहाँ है? सादिया? वो अपना स्विमिंग कर रही होगी, मतलब स्विमिंग पूल में होगी, नहीं बल्कि वो कमरे में होगी यार, मुझे नहीं पता। आमरा आपी, आप उन्हें रूम में चेक करें, मैं पूल में चेक करके आती हूँ। तुम खड़े हुए क्यों? बैठ जाओ। मैडम आप यहाँ बैठी हैं और वहां पर बाहर सब आपको ढूंढ रहे। सादिया अभी तो पूल में नहीं है। सादिया? सादिया तुम रो रही हो, क्या हुआ? उमेरा, सादिया अंदर बैठे रो रही है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, मुझे नहीं बता रही, तुम चलो पूछो। क्या हुआ सादिया आपी, आप रो क्यों रही हैं? सादिया की रोने की वजह तू तो नहीं जो वो कमरे में बैठे रो रही है? कामरान का कहना है अगर मैंने उसे कंपनी नहीं दी तो वो मेरी पूल पर खींची गई तस्वीरों को मेरे कॉलेज में अब ऐसा कर देगा। सादिया आओ तुम मेरे साथ। कहाँ? आओ बाहर चलो, जल्दी से आओ। Ha 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 ha!
तुम इस कदर हद से गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या किया इस कमीने ने? इस कमीने ने ना सादिया की पूल पर नाकाबिले एतराज तस्वीरें ली हैं। तो इंसान खिलाने के लायक नहीं है। सादिया की तस्वीरें डिलीट करता है नहीं तो। क्या नहीं तो? तू क्यों इतना उछल रहा? तेरी बीवी लगती है वो, मंगेतर है, गर्लफ्रेंड है, कौन है वो? तुझे इससे गर्ज कि वो मेरी क्या लगती है? चल, वो मेरी सब कुछ है। अब उसकी तस्वीरें डिलीट करता है या तो। देख, तू मेरा एक वाहिद दोस्त है, अगर वो तेरी बीवी, गर्लफ्रेंड या मंगेतर होती तो उसी टाइम पे डिलीट कर देता। वैसे तो किसी का बाप भी डिलीट नहीं करवा सकता। कामरान, मैं सादिया से शादी करूंगा। अच्छा, पहले उससे तो पूछ ले कि वो तुझसे शादी करेगी या नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मेरी तस्वीरें। तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास अमानत है। जब तक तुम लोगों की शादी का ऐलान नहीं हो जाता मैं तब तक डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है? ठीक है, मेरे घर वाले कल ही शादी का ऐलान कर देंगे। ये सब क्या है? ये सब काफी लंबी स्टोरी है। क्या? आमरा आपी को बहाने से भेजने का मेरा मकसद ये था कि सादी आपी वाकई उदास है और उनकी उदासी सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। जब तक मुझे इसकी उदासी की वजह मालूम नहीं होगी तो मैं क्या कोई और भी इसकी उदासी दूर नहीं कर सकता। कामरान भाई, वजह मैं आपको बताती हूँ। देखो, साकिब को मैं बचपन से जानता हूँ। अगर साकिब इससे मोहब्बत करता भी है तो इजहार नहीं करेगा। तो किस तरह कबूल करेंगे साकिब भाई सादी आप ही को? वो तो मुझ पे छोड़ दो। आप दोनों बातें करें, मैं अमरा आप ही को हेल्प आउट करके आती हूँ।